ई एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि एक्सेल में डाटा वैलिडेशन के अंतर्गत ड्रॉप डाउन लिस्ट का निर्माण कैसे किया जा सकता है और इसका क्या महत्व है और क्यों हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि एक्सेल में डेटा वैलिडेशन का प्रयोग लिस्ट बनाने में कैसे किया जा सकता है। आपने देखा होगा, इससे पूर्व के वीडियो में हमने डाटा वैलिडेशन के बारे में काफ़ी विस्तृत रूप में जानकारी दी, लेकिन आज हम इसके अंतर्गत डाटा वैलिडेशन के अंतर्गत हम लिस्ट कैसे बनाई जाती है और इसका क्या इस्तेमाल होता है उसके बारे में बताएंगे। तो जो आपका डाटा वैलिडेशन के अंदर जो लिस्ट होती है उसका क्या महत्व होता है, उसका ये महत्व होता है कि जो भी हम डेटा एंट्री करेंगे वो हमारा एक्यूरेट हो, इसलिए हम डाटा वैलिडेशन में लिस्ट का निर्माण करते हैं। उससे क्या होगा कि अगर मैं एक उदाहरण देता हूँ, एक हमारे पास ये टेबल है, इसमें एक कंपनी में कई सारे लोग काम करते हैं तो उसमें कई प्रकार की पोस्ट होती हैं। तो जैसे एक कंपनी में हमारे पास 5 प्रकार की पोस्ट है तो हम उसको यहाँ पे बार बार ना लिख के केवल एक ही जगह से सेलेक्ट करके लिख सकते हैं। उससे क्या होगा कि हम जो एंट्री करेंगे वो गलत नहीं होगी, वो एक्यूरेट होगी और बार बार हमें जो स्पेलिंग मिस्टेक होती हैं, लिखने में जो गलतियाँ होती हैं उससे बच सकते हैं। तो अभी कैसे काम करता है और इससे क्या फ़ायदा मिलेगा वो अब यहाँ पे हम सीखते हैं। तो हमने यहाँ पे एक डेटा क्रिएट किया हुआ है कंपनी का, जिसमें सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नेम से यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी दे रखी है, यहाँ पे एम्प्लॉय पोस्ट, अभी हम यहाँ पे लिस्ट बनाएंगे और यहाँ पे एज दे रखी है और सैलरी दे रखी है। अब हम यहाँ पे डेटा में जाके डेटा वैलिडेशन को यहाँ से लेंगे और यहाँ पे जो पोस्ट है हम उसको डेटा में, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक कंपनी में जनरल मैनेजर है, एक मैनेजर है, सेल एग्जीक्यूटिव है, क्लर्क और रिसेप्शनिस्ट है, इसे हमने अलग फाइल में रखा हुआ है। आप चाहे तो यहाँ पे भी रख सकते हैं, कहीं पे भी लिख सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं। मैं 2-3 मेथड इसके आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे यहाँ पर आए हो। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे चलेंगे डाटा वैलिडेशन में। यहाँ पे तो डाटा वैलिडेशन में हम जाएंगे यहाँ पे, तो ये यहाँ पे जब पूछ रहा है तो हम यहाँ पे लिस्ट सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे हम लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे ये पूछेगा कहाँ से लिस्ट लेनी है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। हमने लिस्ट यहाँ रखी हुई है तो इसको सेलेक्ट करेंगे, दूसरे वर्कशीट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम उसको ड्रैग कर देंगे। तो यहाँ से ड्रैग करने से क्या होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हमारे को लिस्ट प्राप्त हो गई इनकी, मैनेजर्स की, जनरल मैनेजर, सेल एग्जीक्यूटिव, जितने भी पोस्ट हैं उनकी लिस्ट हमें यहाँ से प्राप्त होगी। अब हम इसको ओके करेंगे। अब ओके करेंगे, अब यहाँ देख रहे हैं कि एक छोटा सा एरो बनकर आ गया है और यहाँ पे हम कीबोर्ड से कुछ नहीं लिख पा रहे हैं। अब जो भी यहाँ पे आएगा एंट्री, जो भी डेटा की होगी वो यहाँ से आएगी। इसको हम क्लिक करेंगे तो जैसे राकेश है, उसकी एम्प्लॉई 1001 है, तो वो क्या पोस्ट में है। सपोज हम इसको कर लेते हैं जनरल मैनेजर, तो यहाँ पे देखो लिखना कितना आसान हो गया कि जनरल मैनेजर, हमें लिखना नहीं पड़ा, केवल यहाँ से हमने डेटा को सेलेक्ट किया और यहाँ पर वो आ गया। अब ऐसे हम दूसरे के लिए बनाएंगे, तो दूसरे को भी हम यहाँ से डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, फिर यहाँ पे जाके लिस्ट को क्लिक करेंगे, फिर डेटा में, फिर यहाँ पे सोर्स में क्लिक करेंगे, फिर डेटा में जाएंगे और फिर यहाँ पे हम इसको चारों पांचों को सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे दूसरे में भी आ गया। अब निधि है, निधि क्या है, मैनेजर है, हमने सेलेक्ट कर लिया। ऐसे हम तीसरे में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे डाटा वैलिडेशन में, फिर लिस्ट में जाएंगे, सोर्स को क्लिक करेंगे, फिर डेटा को क्लिक करेंगे और फिर हम यहाँ पे पूरों को क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे। इस पर थर्ड पे भी आ गए, ऐसे हम फोर्थ को भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे फिर जाएंगे हम लिस्ट में, फिर सोर्स में, डेटा को सेलेक्ट किया, यहाँ से हमने पूरा सेलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया, एक और बन गया हमारे पास। और लास्ट वाले में हम चले जाएंगे, फिर हम इसमें गए, यहाँ से लिस्ट में गए, उसके बाद हमने सोर्स को सेलेक्ट किया, डेटा को सेलेक्ट किया, उसके बाद हमने यहाँ से फील्ड सेलेक्ट करी और ओके कर दिया। अब हमारे पास सभी में आ गया। अब हम जैसे इसको क्लिक करेंगे तो मोहन यहाँ पे है, इसको हम ले लेंगे सेल एग्जीक्यूटिव,
इसको हम यहाँ से ले लेंगे क्लर्क, और लास्ट वाले को हम यहाँ से ले लेंगे रिसेप्शनिस्ट। तो आपने देखा कि हमें कहीं भी लिखना नहीं पड़ा, हमने केवल यहीं से जो लिस्ट थी ये आपका डाटा वैलिडेशन की, वहीं से हमने इसको लिया है। तो इसका फायदा ये होता है कि आपकी कोई भी एंट्री यहाँ पे गलत नहीं होगी। अभी तो आपने अलग सोर्स से डेटा यहाँ से लिया था, आप इसको डायरेक्ट भी यहाँ लिख सकते हैं। जैसे सैलरी है, अब मैं यहाँ पे सैलरी डिफाइन करेंगे, जैसे हम यहाँ पे सैलरी डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ पे हम डाटा वैलिडेशन में जाकर दोबारा जाएंगे और लिस्ट में, अब हम यहीं पे लिख सकते हैं, बार बार हमें वहाँ से कॉपी नहीं करना पड़ेगा कि सपोज हमारे कंपनी में 5 प्रकार की सैलरी मिलती है लोगों को, तो जैसे मैनेजर इसकी 50,000 हो गई, फिर हम यहाँ पे एक कॉमा लगा देंगे और मैनेजर की हो गई 35,000, फिर कॉमा लगाएंगे, उसके बाद आपकी सेल एग्जीक्यूटिव की हो गई 30,000, फिर हम यहाँ पे कॉमा लगा देंगे, उसके बाद कलर की हो गई जैसे 25,000, फिर कॉमा लगा देंगे, और रिसेप्शनिस्ट की हो गई 20,000। तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हो, आप जरूरी नहीं कि फाइल को सेलेक्ट करो, लिस्ट को सेलेक्ट करो, 1, 2, 3, 4, 5 डाटा हमने करा और ओके कर दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे जैसे आपकी 5 प्रकार की सैलरी आपकी कंपनी में, तो हम यहाँ पर भी उसको लिख सकते हैं। तो जैसे ये आपके जनरल मैनेजर है 50,000 है, तो हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे हम कोई भी एंट्री गलत, यहाँ पे हम देखो करेंगे तो यहाँ पे एंट्री गलत हो सकती है, लेकिन यहाँ पे ये एंट्री कीबोर्ड से नहीं लेगा, ये आपका यहीं से सेलेक्ट होगा हर बार ये। तो हम चाहे 35,000 लो, चाहे आप इसको 25,000 दिखाओ, चाहे आप इसको 50,000 दिखाओ। तो इस प्रकार हम डाटा वैलिडेशन के अंतर्गत लिस्ट बना सकते हैं, जो कि इस प्रकार यहाँ पर दिखाई देती है। और ये क्यों बनाया जाता है, इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि डाटा करेक्शन हमारा सही रहे, वहाँ से हम मेन्यू के माध्यम से डाटा को सिलेक्ट करें। तो आज की वीडियो में आपने सीखा कि डाटा वैलिडेशन के अंतर्गत लिस्ट का निर्माण कैसे किया जाता है। आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो में हम और अधिक आपको डाटा वैलिडेशन की जानकारी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही हमारे और जो वीडियो बनाए गए हैं उन्हें देखते रहिए और ज्ञान प्राप्त करते रहिए।